जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडबी कैपिटल लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस छोटी सी कंपनी में हम लोग बाइंग का मौका ढूंढने की तलाश करेंगे, जानेंगे कि क्या अभी इस कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति का यदि इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्हें तो थोड़ी बहुत चिंता की बात हो रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइस कम होता है स्टॉक का तो जो न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो एक अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि शायद उन्हें बेहतर प्राइस पर किसी स्टॉक में एंट्री मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं कि एडविक कैपिटल में क्या चल रहा है। अभी देखेंगे अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये 4 पैसे के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 0.97% के आसपास गिरावट के साथ। एक दिन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 6.5% से ज़्यादा टूटा है पिछले एक सप्ताह में, जिससे मैंने बताया कि धीरे धीरे प्राइस इस कंपनी का अब नीचे की तरफ आ रहा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में वे स्टॉक तकरीबन 33% के आसपास आपको टूटते हुए नजर आएगा, और वहीं पर पिछले 6 मंथ की बात कर लें जहाँ से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही थी, लेकिन इस लेवल के बाद से पर्टिकुलर देखेंगे प्राइस फिर नीचे जाने लगा और पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 40% के आसपास गिरावट दे दिया है। किस वजह से ये गिरावट आई है और अभी स्टॉक किस वजह से नीचे जा रहा है इसके बारे में भी बात होगी, और फिर हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं। अब हम लोग यहाँ एडविक कैपिटल का सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्राइस जो नीचे जा रहा है क्यों जा रहा है और कितना नीचे जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग काम और फंडामेंटल के हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि इस कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये आप देखेंगे 3 रुपये के आसपास के लेवल है। अप्रैल 2023 देखिए यहाँ से प्राइस इसका नीचे जाने लगा है, और कितना नीचे आ गया है, 2 रुपये के आसपास आ गया है। अब देखिए ये यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया है ये जब मैं आपको बताऊंगा क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वहाँ पर पता लगेगा कि प्राइस नीचे क्यों आया है। लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि जो प्राइस नीचे आ रहा है ये और कितना नीचे जा सकता है। 5 साल के चार्ट पर आप देखेंगे यहाँ से ये जो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के बाद, 3 रुपये के लेवल को ब्रेक करने के बाद, तो ये अभी इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2 रुपये के आसपास। देखिए यहाँ पर 2 बार इसने सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर आके ये प्राइस ठहरा हुआ है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट मारकर प्राइस फिर ऊपर उठ जाए, या फिर यहाँ से थोड़ा और नीचे आए तो आ सकता है अपने इस लेवल के आसपास, 1 रुपये के लेवल के आसपास। हालांकि 1 रुपये तक आने का ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि प्राइस इसका 1 रुपये तक आएगा। ये जो अभी यहाँ पर ठहरा हुआ है 2 रुपये के आसपास, यहीं रिट्रेसमेंट मार्कर प्राइस ऊपर की तरफ उठ जाएगा और फिर जो लोग नुकसान में हैं उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, या जो लोग इस पर्टिकुलर लेवल पर थोड़ा बहुत बाइक करना चाहते हैं या किए हैं उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। तो सवाल है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्या अभी पैसा लगा दे, तो मैं कहूँगा अभी 2-4 दिन देख लीजिए कि प्राइस 2 रुपये तक के आसपास है, यहाँ पर यह प्राइस सस्टेन करता है या इसे नीचे आता है। यदि नीचे आता है तो और नीचे आने दीजिए, 1 रुपये के आसपास हम लोग बाइक करें। लेकिन जो कुछ भी कीजिएगा आप अपने सूझबूझ और अपनी समझ के साथ कीजिएगा, मेरे कहने पर नहीं कीजिएगा। अब चलिए काम और फंडामेंटल देख लेते हैं, जहाँ पर कि इसका प्राइस नीचे क्यों आया है। तो सबसे पहले हम लोग काम की बात करते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, और एनबीएफसी कंपनी का आपको पता है कि कंपनी लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इस तरह की कंपनी की कमाई होती है जो एनबीएफसी यानी कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होती है। अब फंडामेंटल की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले 44 करोड़ के आसपास की कंपनी है, यानी कि एक छोटी सी कंपनी है, और इस कंपनी का शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से कम है, तो ये थोड़ी बहुत चिंता की बात हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अचानक से इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह से प्राइस नीचे आ गया, नहीं तो पहले प्राइस बुक वैल्यू ज्यादा ही था। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये काफी संतार है, 20% से ज्यादा, यानी कि आपको तगड़ा रिटर्न ये कंपनी कमा कर देगी आने वाले समय में। इसलिए इन्वेस्टमेंट आप देखिए 1 रुपये के आसपास है, 2 रुपये के आसपास है, वहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप इसमें करना चाहते तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि इसके शेयर प्राइस में अचानक इतना गिरावट क्यों आया, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। यहां पर देखिए इस कंपनी के जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट आए हैं इसमें सेल्स कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हो गया है। पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो सेल्स काफ़ी कम हो गया है, बहुत कम हो गया, यही वजह है कि इस कंपनी में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। और दूसरी बात, सेल्स कम हुआ है तो प्रॉफिट तो कम होगा, इसलिए जब यहाँ पर बैलेंस शीट में आप आएंगे तो आप देखेंगे इस कंपनी के पास जो डेब्ट है इसे कहते हैं कर्ज बोरो को, और देखें ये अभी मार्च क्वार्टर में बढ़कर 3 करोड़ था, पहले भी 73 करोड़ हो गया, यानी कि कर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है कंपनी को, सेल्स में गिरावट आई है इस वजह से भी। और रिजर्व जो होता है, रिजर्व पैसा देखिए पहले 5 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश पैसा था, रिजर्व पैसा बढ़कर 37 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि रिजर्व बढ़ा है लेकिन इसके मुकाबले कर्जा काफ़ी अधिक बढ़ा है, इस वजह से भी शॉर्ट सेलिंग उसमें देखने को मिल जाए। यानी कि लंबी अवधि में यदि क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, सेल्स बढ़ते हुए दिखते हैं, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऊपर जाते हुए आपको जरूर दिखेगा। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सूझबूझ के साथ जरूर कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा
एम एस डॉट कॉम फ्री डिमेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि उसमें लगता है जीरो ब्रोकरेज, और उसका लिंक उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।